श्री राहुल गांधी जी, थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर फॉर द अपॉर्चुनिटी संविधान। कॉपी है उसकी। जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। स्पीकर सर, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स देर हैज बीन ए सिस्टमैटिक अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द आइडिया ऑफ इंडिया and on anybody who opposed there has been there just warming up right now abhi warm up ho raha hai तो देर वॉज अ सिस्टमैटिक फुल स्केल असॉल्ट ऑन द आइडिया ऑफ इंडिया, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो ऑन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु रिजिस्टेड द आइडियाज बीइंग प्रपोज्ड बाय द बीजेपी, हु रिजिस्टेड द अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. Many of us personally were attacked. In fact, some of our leaders are still in jail. Shame. One of our leaders has just recently been released. Another one is still in jail. And not only the opposition, but anybody who resisted the idea of concentration of power, of concentration of wealth, of aggression on the poor, of aggression on Dalits, minorities, tribals, was crushed, violently crushed. People were put in jail, people were threatened, and I myself was attacked. संसद टीवी का नया फॉर्मेट देखा है, आधा आधा, ये पहले हम देखा नहीं हमने. आई माई सेल्फ वॉज अटैक्ड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय ऑर्डर ऑब्वियसली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 20+ केसेस, 2-year jail sentence, माई हाउस टेकन अवे, नो प्रॉब्लम. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack. Shit. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. Shit. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation,
द ऑफिसर ऑफ कैमरा ही स्विच ऑफ द कैमरा एंड देन ही आस्क्ड मी राहुल जी यू बीन सिटिंग हियर 55 आवर्स आप पत्थर जैसे हो आप हिलते क्यों नहीं हो मुझसे सवाल पूछा उसने तो जब ऐसा आक्रमण होता है व्हेन देयर इज एन अटैक लाइक दिस ऑन यू यू ऑब्वियसली नीड रेफ्यूज यू नीड अ प्लेस और यू नीड आइडियाज दैट डिफेंड यू सो टुडे आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई स्पीच by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us, Anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिवजी की फोटो नहीं दिखा सकते सर एक मिनट माने सर शिवजी की फोटो मना है सर एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं नो एक मिनट प्लीज आपने सवाल उठाया आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे 352 का नियम बताया नो प्लीज नो आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता आपने कहा नियम से ऐसा नहीं है माइक दीजिए सर जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है माननीय सदस्य आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर मना है या नहीं कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस सदन इस हाउस में दिखाना मना है यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं मैं सब दिखाना चाहता था स्पीकर सर ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है समझता है Everybody knows this image. Speaker, sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show. By a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea, of resisting, we are still in the opposition, I know that, and I'm happy and proud to be in the opposition. Because for us, there is more than power. There is truth. For you, there is only power. That is the only place you want to be. For us, there is truth. And this is a symbol of truth. So when Shivji places the snake near his neck. What he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason
that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. And what that Rajnath Singh ji is looking very surprised. And what that Abhay Mudra shows, it is the next step of the evolution of the idea of facing the truth, fearlessness, and ahimsa. Satya and ahimsa, as Mahatma Gandhi ji used to say. And the Abhay Mudra is the idea that it is not good enough to just keep this internal. It is not good enough to not be scared. It is not good enough to use non-violence. It is also important that you make others not scared, that you help others become fearless, that you help others become non-violent. So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance that Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation? No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. Now, another very interesting thing I noticed. Hanji. That is not your problem. It is not none of your business. And there's another thing I noticed, that it is not just one religion that talks about courage. In fact, all our religions talk about courage. So, here is the religion of Islam. आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा नहीं पा रहा हूं। सब समझदार है यहाँ पर, सब चुनकर आते हैं। सर बात नहीं बन रही, चुनकर भेजा है, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें जनता। अब कांग्रेस पार्टी ने शिवजी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज माननीय सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ, एड्रेस इधर करें। ही सेड एड्रेस इधर करें माननीय सदस्य। हाँ जी सॉरी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीन। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है
कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो गुरु नानक जी के चित्र में भी हम इनको इस तरीके से पूजते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर कहाँ रखूँ सर? तरीका ठीक सर, कहाँ रखूँ? यहाँ रख दूँ सर? आप यहाँ मत, यहाँ रख देता हूँ सर। सर गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपके आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा मतलब। और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा इनसाइड बिकॉज ऑफ इट। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर पे उस पर।
ये आप बात समझिए, आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। लेकिन चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को टेस्ट नहीं पहुंचे सर, मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आप, माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आठ डिबेट में गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपता आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो
कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, कल प्रधानमंत्री मोदी जी के तंत्र में भी सर आप ऐसे रहिए सर। कंटिल स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। आर्टिकल 25 कल्याण बनर्जी जी बताए, आर्टिकल 25 क्या था, आप उनको बताइए। सर, स्पीकर सर, माने प्लीज, प्लीज एक मिनट, एक मिनट देता हूं मैं आप हिंदू धर्म कहता है, एक मिनट प्लीज, माने सर प्लीज, एक माने प्लीज, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है, और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए, और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। सर, अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर, अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है,
सर कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, वो हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्यगण, आप ही किताब राम भगवान की जन्मभूमि ने, अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर, ये ऑफ होता है। प्लीज माने बैठिए, प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो, प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक